हवा, पानी, भूमि जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। तकनीकी विकास और आगे बढ़ने की होड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जल प्रदूषण एवं घटता जल स्तर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत का लगभग 80% जलाशय अत्यधिक दूषित है। उसका प्रमुख कारण शहरीकरण एवं औद्योगिक विकास है। रांची को अनेक नदियां एवं झरने उपहार स्वरूप मिले हैं। शहरीकरण के इस भाग दौड़ ने सबको अपना ग्रास बनाया है। अनेक तालाबों, कुओं एवं जलकुंडों के होने के बावजूद भी झारखंड को पानी की कमी से दोचार होना पड़ता है। शहरी झारखंड का भूमिगत जल स्तर भी तेजी से गिर रहा है। हर घर में होने वाली डीप बोरिंग तथा प्रतिदिन बड़े बड़े बिल्डिंगों के निर्माण के कारण भूमिगत जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ये प्रशासनिक चूक ही आप एक तरह से है। आप देखेंगे कि जिस तरह से जो नदी है, स्वर्णरेखा नदी की आप बात कर रहे हैं, तो ये लाइफलाइन रही है हमारे रांची के लिए पहले से। लेकिन स्वर्णरेखा नदी के तट पर जिस तरह से पक्के मकान बनाए गए, और जब बनाया गया उस समय रोका नहीं गया, तो बहुत सारे मकान ऐसे हैं या उनके जो सोकपीट वगैरह, सेप्टिक टैंक, वो नदी के मुहाने पे बना हुआ है। और उसी के कारण जब नदी, एक तो नदी का पानी भी प्रदूषित होता चला गया, और दूसरे की नदी अभी तो आप देखे होंगे किस तरह से साइड में जो बाउंड्री बना दिया गया, उसकी वजह से नदी एक नाले के रूप में तब्दील हो गया है। झारखंड के वाटरमैन कहे जाने वाले पद्मश्री सिमोन उराव झारखंड के बेड़ो प्रखंड के गांव में जल संरक्षण के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। पहले इतना बंजर जमीन था, खाली नाला था, कहीं आन का खेती का लायक जमीन नहीं था। तो हम उसी के देखे और हम कहे कि ये पेट का दुख कहिया मिटेगा, कि अब सब रोज लकड़ियाँ लीजिएगा, बिक्री करिएगा, जंगल जाइएगा, एक साथ लकड़ी लीजिएगा, तो जंगल तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा करिए कि मिलजुल के एक दो ठो बांध बांधेंगे और खेत बनाएंगे। तब पहले खेत बनाने वाला बांध बांधे और विचार करके सबकर सहयोग से 61 ने शुरू किए और 70 ने बांध को निमराए। खक्सी टोला में जन्मे श्री उराव सन 1961 से ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासरत हैं। इन्होंने अपने गांव में 3 बांध, 5 तालाब एवं 10 कुओं का निर्माण कराया है। इस निर्माण को पूरा करने में 3000 गांव वालों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। उराव ने लगभग 10,000 फीट लंबी नहर का निर्माण भी कराया है, जिससे 3,000 एकड़ के आसपास बंजर भूमि में आज फसल लहलहाते हैं। यह उनकी मेहनत का फल है कि अब उनके गांव में प्रतिवर्ष लगभग 25,000 मैट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। सिमोन दादू जो अभी बहुत तरह का विकास काम किए हैं, जैसे अभी 4-5 गो तालाब बनवाया, डैम बनवाया, अभी वहां से हम लोग का पानी आता है और करीबी लगभग 20 एकड़ आसपास में खेती होता है, तब हम लोग अभी उसको पैदा करके खा रहे हैं और अपना बाल बच्चा पोस रहे हैं। अगर वह सिमोन दादू नहीं करते तो हम लोग वो ज़मीन अभी बंजर ही रह जाता, भूखे रह जाते, खेती बाड़ी नहीं होता। उनकी पर्यावरण के प्रति सजगता एवं मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए 12 गांव के लोगों ने इन्हें पढ़ा राजा की उपाधि दी है। पढ़ा राजा सिमोन उराव इसके अलावा आसपास के 51 गांवों में जल संरक्षण कार्यक्रम के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। पढ़ा राजा उस समाज के सबसे प्रमुख व्यक्ति को सम्मान सूचक उपाधि दी जाती है, जिनका सब सम्मान करते हैं एवं बात सुनते हैं। भारत में वर्षा की मात्रा घटती जा रही है। पिछले 25 वर्षों में वर्षा में कमी देखी गई है। झारखंड का भूमिगत जल स्तर भी प्रतिवर्ष 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर के आसपास नीचे जा रहा है। नदियों के पास बढ़ती जनसंख्या भी जल प्रदूषण का बड़ा कारण है। पहले हमारा पुरखा लोग हर गांव में झरना पानी के पीते थे, कोई कुआं तालाब डूबा नहीं था, खाली झरना कहीं कहीं जाड़ी चुआ बनाता था।
और उससे के पूरा बस्ती का पीते थे। 4 महीना बरखा, 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी। इतना बढ़िया भगवान मनुष्य के लिए समय बनाया और समय को हम सब रखवाली नहीं करने सक रहे। पानी जो भी आपका वेस्टेज होता है उसको रोके और आप उसको अंडरग्राउंड आप वहाँ पे स्टोर बनाए पानी का, ताकि बरसाती पानी आपके घर के नीचे ही स्टोर हो जाए, जमीन में वाटर लेवल बढ़ जाए। वो जब जमा हो जाएगा तो निश्चित रूप से गर्मियों में उसका लाभ हमें मिलेगा और हमें पानी की किल्लत नहीं होगी। पानी बचाना है तो वर्षा पानी को समुद्र में नहीं जाना देना है। काले की 2000-1500 जैसा जगह पैसा छोटे छोटे बांध बनाना चाहिए। पानी है तो आन भी है और जान भी है, और पानी नहीं है तो आन भी नहीं है, हाँ जान भी नहीं है, जान भी नहीं है। सबसे तो पूरा देश ने बड़े बड़े योजना बना रहा है, आन और पानी का कहीं सरकार योजना अभी तक नहीं सोच रहा है। रुपया का योजना तो पृथ्वी ने पूरा देश ने बना रहा है, मगर आन का योजना और पानी का योजना अभी तक कोई नहीं सोच रहा है। हमको बड़ा तकलीफ लगता है। झारखंड कर को